हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब मौजूद है। फवाद साहब, 30 अप्रैल की तारीख आ गई है, कैसी तैयारी आप लोगों की, क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारी तैयारी तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन ही तरीके इंसाफ ने की है और सदर मुमलिकत का जो फैसला है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ एक दुरुस्त सिम्त में कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा था कि आप कम अज कम मुद्दत में 90 दिन के इलेक्शन करवाएं और वो 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जो प्रपोज किया सदर मुमलिकत ने उसके मुताबिक जो है वो आगे इकदाम किया है। ये पाकिस्तान के आइन की फतह है, पाकिस्तान के अवाम की फतह है और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान में एक मुस्तहकम जमहूरियत की बुनियाद रख रहा है। मैं बाकी सियासी जमातों को भी कहता हूँ कि इलेक्शन में आए, अपने आप को अवाम के सामने पेश करें और हर वक्त इस तरह से नामजदगियों पर इलेक्शन नहीं हो सकते। आप अपने आप को अवाम के सामने पेश करें और अवाम ही पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत की बुनियाद रख सकते हैं, वही बता सकते हैं कि हुकूमत किसने करनी है। नामजदगियों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं होती, बंद कमरों की नामजदगियां ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। सिर्फ अवाम ही जानते हैं कि उन्होंने इख्तदार का हक किसको देना है और वो आगे इलेक्शन जो है वो कराएं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप क्या लगता है कि अब भी हुकूमत कोई हथकंडे अपनाएगी या फिर ये इंतखाबात हो जाएंगे, स्मूथली प्रोसेस मूव ऑन कर जाएगा? इंतखाबात हो जाएंगे, अब इंतखाबात नहीं रुक सकते। ख्वाहिशें जरूर होंगी लेकिन अब इंतखाबात नहीं रुक सकते। अब ये सारा मामला जो है वो हो चुका है, अब जो उनका इशू था सेंसस वगैरह का वो भी अप्लाई नहीं हो सकता, इसके ऊपर शेड्यूल जो है वो आ गया है और अब ये तमाम मामला जो है वो पीछे रह गए हैं। आइन और कानून की फतह हुई है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो। फवाद साहब, जो मुल्क में जारी इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, जाहिर सी बात है जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कल का फैसला और उसके बाद आज का ये डिसीजन, आपको लगता है कि कुछ एतमाद की फजा बहाल करने में कामयाब होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है यही कहा है, इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है हुकूमत की बुनियाद इलेक्शन है और जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाते पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लिहाजा ये जो फैसला है ये सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ेंगे और इसके बाद इसी की वजह से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। ठीक है, अच्छा फवाद चौधरी सर, बिल्कुल जिस तरीके से अब आप ये गुफ्तगू करें इससे कबल भी आपने ये बताया था कि तैयारी आपकी पूरी है। सर कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बता दीजिए, अपनी तैयारियों के हवाले से बता दीजिए कुछ। कल हम इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रहे हैं लाहौर से और उसके बाद इमरान खान के जलसों का शेड्यूल भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला और हम टिकट्स जो हैं वो अगले हफ्ते से तरीके इंसाफ अपने टिकट्स जो हैं वो अनाउंस करना शुरू कर। अच्छा ठीक है, अच्छा सर अब जलसों में इमरान खान साहब भी शिरकत कर पाएंगे? जी इमरान खान शिरकत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अहम इशू के ऊपर वो डिस्कशन कर रहे हैं हमसे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब।